Technology has a tremendous impact on each of us, on our desire for discovery. It speeds theoretical evidence. आज हम एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बात करेंगे और उनसे पूछे गए कुछ सवाल जिनके उत्तर स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा दिए गए थे उनके बारे में आपको बताएंगे। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 में हुआ था। यहाँ एक कॉन्सिडेंस हुआ, मतलब इनके जन्म अपने समय के महान साइंटिस्ट गैलीलियो के मरने के ठीक 300 साल बाद हुआ था। आप में से कुछ लोगों ने हमेशा उनको एक व्हील चेयर पर देखा होगा, क्योंकि वो पैरालाइज थे और बोलने के लिए कंप्यूटराइज वॉइस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनको 21 वर्ष की उम्र में MND यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी। इसका दूसरा नाम एमीट्रोफिक लेटरल सिक्लोरिसिस है। उस समय यह अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। NHS के मुताबिक यह एक बहुत असाधारण बीमारी है जो दिमाग और तंत्रिका पर असर डालती है, जिससे बॉडी में वीकनेस होती है और जो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। 21 साल का नौजवान अब दुनिया को बदलने का सपना देख रहा था, लेकिन तभी कुदरत ने ऐसा झटका दिया कि वो अचानक चलते चलते लड़खड़ा गया। इनको बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष में बहुत लगाव था। ऐसा नहीं था कि हॉकिंग स्टार्ट से ही स्टडी में एकदम एक्सेप्शनल स्टूडेंट थे। इनफैक्ट सेंट एलवेंस स्कूल के फर्स्ट ईयर में वो एक कमज़ोर स्टूडेंट के समान देखे जाते थे। लेकिन हॉकिंग्स का दिमाग अलग चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता था। जिस समय हॉकिंग्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वे वहाँ मैथ्स लेना चाहते थे, पर उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स की कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं थी। तब उनको फिजिक्स को चुनना पड़ा और वहाँ इनका इंटरेस्ट कॉस्मोलॉजी की तरफ हो गया। फिर वे वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ उन्होंने कॉस्मोलॉजी में PhD की और 1968 में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का मेंबर बना दिया गया। वहीं से इनकी रिसर्च को एक नई दिशा मिली और ब्लैक होल पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब तक बीमारी इन्हें पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। ना अब ये उठ सकते थे, ना बोल सकते थे, लेकिन इसके बाद भी इनकी सोच बुलंद थी। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, रेडिएशन थ्योरी इनमें से एक है। चलिए बात करते हैं उनके 10 सवालों की जो प्रोफेसर से इंटरव्यू में पूछे गए। पहला सवाल, अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो दुनिया की हर संस्कृति में हर जगह इनको सर्वशक्तिमान सर्वोच्च क्यों माना गया है? ईश्वर की अवधारणा यूनिवर्सल क्यों है? इसका उत्तर देते हुए प्रोफेसर ने कहा, मैं यह दावा नहीं करता कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर या भगवान एक नाम है जिससे लोग अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सौरमंडल के इस तीसरे ग्रह पर अपनी ज़िंदगी और मौजूदगी के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि भगवान जैसी किसी सार्वजनिक सत्ता का, जिसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता जोड़कर खुद को हम भुलावे में रखते हैं। दूसरा सवाल, क्या कभी ब्रह्मांड का अंत होगा? अगर हाँ तो अंत के बाद क्या होगा? प्रोफेसर बोले, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हमें बताती हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है और इसके फैलने की स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स हमेशा ही फैलता रहेगा और इसके साथ साथ यह और भी अंधकारपूर्ण खाली जगह को जन्म देता रहेगा। ब्रह्मांड का जन्म तो बिग बैंग से हुआ था, परंतु इसका अंत नहीं है। कोई यह भी पूछ सकता है कि बिग बैंग से पहले क्या था? इसका जवाब भी यही होगा कि जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दक्षिणी दिशा लुप्त हो जाती है, उसी तरह बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, क्योंकि बिग बैंग एक शुरुआत है और शुरुआत से पहले कैसे कुछ हो सकता है? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता का वजूद इतने लंबे समय तक बरकरार रहेगा कि वह अंतरिक्ष में गहरे और गहरे छलांग लगा सके? इसके उत्तर में प्रोफेसर कहते हैं, मानव जाति के पास अपने अस्तित्व को तब तक बचाए रखने के बेहतर मौके हैं जब तक हम अपने सौरमंडल को कॉलोनाइज नहीं कर लेते। मानव जाति को लंबे समय तक बचने रखने के लिए इससे सारे सितारों पर जाना बहुत ज़रूरी है और इसमें अभी तक काफ़ी वक्त है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब तक हम अपने आप को बचाए रखने में कामयाब रहें। चौथा सवाल, अगर आप सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से बात कर सकते तो क्या कहते? हॉकिंस कहते हैं, आखिर वो ब्लैक होल में यकीन क्यों नहीं करते? उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत के समीकरण बताते हैं कि एक विशाल सितारा या गैसों का सघन बादल खुद में ही नष्ट होकर ब्लैक होल को जन्म दे सकता है। आइंस्टीन खुद इस तथ्य को जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को समझा लिया था कि किसी भी धमाके की तरह हर विस्फोट द्रव्यमान को भार फेंक देने के लिए होता है, लेकिन विस्फोट
हो ही नहीं और सितारे की मौत हो तो उसका सारा द्रव्यमान बस उसके बिंदु में ही सिमट कर रह जाता है। पांचवा सवाल, मृत्यु के बाद हमारी चेतना का क्या होता है, आप क्या मानते हैं? हॉकिंस कहते हैं कि मैं मानता हूँ हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर और चेतना एक प्रोग्राम की तरह है। यह प्रोग्राम उस समय बंद हो जाता है जब उसका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। सिद्धांत है, हमारी चेतना की रचना न्यूरल नेटवर्क पर फिर से की जा सकती है, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए मृतक को सभी मेमोरीज की आवश्यकता पड़ेगी। यह कुछ सवाल थे जो उस महान वैज्ञानिक से किए गए थे। दुर्भाग्यवश 14 मार्च 2018 में 76 वर्ष की उम्र में यह महान वैज्ञानिक दुनिया को अलविदा कहकर चला गया।